अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने अपनी एक बड़ी ही मज़ेदार सी अपनी फेवरेट डिश आपके सामने लेके आ रही हूँ। ये है थाई करी। और थाई करी जो उनसी होती है, इसकी दो खसूसियात होती हैं कि एक तो इसमें कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम का इस्तेमाल होता है, दूसरा हल्दी का, और तीसरी बात यह कि थोड़ी सी ना ये स्पाइसी होती है। तो ये जो मज़ेदार सी डिश है, ये हम चावल के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी हम इसको स्पून के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए, मैंने दो तरीके से इसको रखा हुआ है कि मैं इसको इस तरीके से भी सर्व कर रही हूँ और इस तरीके से भी। तो चलें जी, मैं आपको ये अपनी ज़बरदस्त और फेवरेट रेसिपी जो सी है बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए मैंने करना क्या है। तो चलें जी, आप मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक और देखिएगा कि ये मज़ेदार थाई करी जो सी है कैसे बनती है। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो मेरे पास है वो है आधा किलो बोनलेस चिकन है, जिसकी मैंने छोटी बोटी कर ली है। ये मेरे पास छोटी दो शिमला मिर्च थी, अगर एक बड़ी हो तो, वरना दो छोटी इनको काट लिया है। ये गाजर है, जो मैंने एक गाजर को काट के मैंने उबाल लिया है। ये तीन आलू हैं जो मैंने काट के उबाल लिए हैं। ये फूल गोभी का एक छोटा फूल था जो मैंने इसको भी काट के उबाल लिया है। ये मेरे पास क्रीम है, ये 100 ग्राम क्रीम है। ये जी कोकोनट मिल्क है, जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है ना इस रेसिपी के, वो तो एक है कोकोनट मिल्क और एक है हल्दी। तो मसालों में हम आएँ तो यहाँ हमारे पास लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है और ये काली मिर्च है। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि हम इसमें अपने पास जो हमारी वॉक है, हम इसमें हाफ कप से थोड़ा कम ऑयल डालेंगे। अब इस ऑयल में हम जो चिकन है ये काट के ये डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे सफ़ेद होने तक, जन के इसका कलर चेंज करने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसका कलर जो सा है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसका हमने कलर चेंज इसलिए किया जाता है कि जो इसका पानी होता है ना चिकन का, वो इस तरह खुश्क हो जाता है, तो किसी किस्म की जो स्मेल है वो इसमें नहीं रहती। देखें कलर चेंज हो गया है अभी भी, लेकिन ये ऑयल में जो पानी नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा पक जाता है। तो फिर मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, अब ये चारों चीज़ें जो सी हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और काली मिर्च, मैंने हाफ टी स्पून चारों जो सी हैं ना वो इसमें डालनी है। नमक आपको कम लगे तो आप इसमें नमक अपने हिसाब से और भी डाल सकते हैं, कि अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो नमक और भी डाल सकता है। इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं ये चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। जी व्यूअर्स, ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इस वक्त मैं इसमें क्रीम और कोकोनट मिल्क जो है ना वो मैं डाल दूंगी। अब ये चिकन जो सा है ये इस कोकोनट मिल्क में और क्रीम में अच्छी तरह पकेगा, तो इसको पकने देते हैं, तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे। ये देखें ये थिक होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम जो अपनी वेजिटेबल्स हैं सारी वो ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ये बॉयल आलू डालूंगी, गोभी, गाजर, ये तीनों मैंने बॉयल चीज़ें इसमें डाल दी। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये सारी अच्छी से मिक्स हो गई हैं।
तो अब इसमें मैं अपनी जो शिमला मिर्च है ये भी ऐड कर दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हम सब सब्जियां हमने इसमें डाल दी हैं और मिक्स कर रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, आपने ये ध्यान रखना है कि सब्जियां डालने से पहले आपने चिकन चेक कर लेना है कि वो अच्छी तरह पका हो, क्योंकि चिकन जितना पकना है वो पहले ही पकना है। सब्जियां डाल के बस हमने मिक्स करना है और 5 मिनट पकाना है ताकि सब्जियों में जो फ्लेवर है कोकोनट मिल्क का ये चला जाए और हमारी डिश रेडी हो जाती है। तो इसलिए चिकन जो है ना वो पहले से आपका कोकोनट मिल्क में और क्रीम में अच्छे से सॉफ्ट हो चुका होना चाहिए। इस डिश को हम राइस के साथ ज़्यादातर सर्व करते हैं और अगर आप खाना चाहें तो आप राइस के बगैर भी खा सकते हैं। तो चलें जी, हमारी डिश अब रेडी है। व्यूअर्स, डिश हमारी अब रेडी है। प्लेट में मैंने राइस रख दिए हैं और मैं इसके राइस के इर्द गिर्द अपनी थोड़ी सी इस तरह ये सब्जी जौन सी है, ये थाई करी जौन सी है, ये सर्व करूँगी। आपको ये डिश अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।